एवरीवन, वेलकम बैक टू आर माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। सो गाइस, अभी देखिए मैंने तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है, उसमें राई जीरा तड़का लिया है और डाल दी है ये लंबी लंबी स्लाइस की हुई मिर्ची। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, डायरेक्ट आपको खाने बनाते हुए मिल रही हूँ। तो उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, बस अभी मैं ये ही डालूँगी मैं इसमें। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ग्रीन रहने वाला है। आज जो भी मैं मिर्च बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल ग्रीन कलर की रहेगी ये। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर के रेडी है, मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना ली है। आप सभी को जय श्री श्याम। तो देखिए भाई, हाँ खाने की तैयारी चल रही है यहाँ पर और मेरी मिर्च आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन है। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और हल्की सी लाल मिर्च डालूँगी। जी हाँ, मिर्ची है फिर भी मैं हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। इससे क्या है ना, अच्छा लुकिंग वाइज जो होती है ना मिर्ची वो काफ़ी अच्छी लगती। तो देखिए मेरी जो ये मिर्च है कितनी ग्रीन लग रही है, मतलब पकने के बाद भी बिल्कुल ग्रीन लग रही है ये। और इसमें मैं बस हल्का सा अमचूर पाउडर डाल लूँगी और इसको हम कर लेंगे यहाँ पर अच्छे से मिक्स। बस यही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालना है। मतलब ये बिल्कुल सिंपल वाली मिर्च है, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर मिर्च बन करके तैयार। तो आज जो ये सारी तैयारी चल रही है ना, ये इसी लिए चल रही थी क्योंकि आज मैंने बुलाया है हमारे यहाँ पर नन्हे से मेहमान को। जी हाँ, देखिए छुटकू आ गया है। तो मैंने आज इनवाइट कर लिया है बिट्टू को, तो बिट्टू के साथ आ गई है दीदी। तो आज पहली बार, मतलब डिलीवरी के बाद पहली बार बिट्टू घर से बाहर निकली है कहीं पर, तो फिर वो ये सबसे पहले मेरे यहाँ पर ही आई है। तो मैंने उसको इन्वाइट करा था कि भाई यहाँ पे आके खाना खा ले। और देखिए छोटा सा बेबी, मतलब इस एज में बच्चे होते हैं ना कितने प्यारे और क्यूट लगते हैं। खैर, और वो उनकी जो हरकतें होती हैं ना अब धीरे धीरे स्टार्ट होगी। तो बिट्टू यहाँ बता रही थी कि मौसी हमको आलू के पराठे नहीं खाने क्योंकि हमने खा लिए हैं। तो हम ये बता रही थी कि मैंने सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाई है। और देखिए ये नन्ना सा मेहमान अभी सो रहा है। तो बच्चों का यही रहता है, वो कहीं पर भी जाएं उनका खुद का उनका जो काम रहता है ना सोने का, वो उनका मतलब चलता रहता है। तो वो सो रहा है तो मैंने उसको गोदी में ले लिया है। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बातें। और यहाँ पर दीदी देखिए आप बेलने लग गई हैं पूड़ियाँ। तो मैंने सब्जी बना ली थी, मिर्ची बना ली थी और मिठाई हमने मंगा ली है बाज़ार से ही, नमकीन है खाने में। और दीदी आ गई थी तो फिर पूड़ी मैंने तली नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दीदी मेरी हेल्प करा देंगी। उन्होंने बोला कि ला मैं तेरी हेल्प करा दूं, तो वो बेलने लग गई हैं। मैं यहाँ पर गर्मा गर्म जो पूड़ी है अपनी ये तलने में लग रही हूँ। और अभी जैसे कि इतने दिनों बाद पहली बार बिट्टू आई है ना, वैसे तो उसको क्या है अभी पूड़ी वगैरह खाना थोड़ा सा मना है, वो अभी खाती नहीं है। पर फिर भी मैंने जैसे कि अभी भुलाया ही सबको निमंत्रण के हिसाब से कि सब खाना खाएंगे, इसलिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। नहीं तो फिर मैं सिंपल सा खाना ही बना लेती, पर सबके लिए पूड़ियाँ ही बनाऊँगी। बिट्टू के लिए एक तरफ दाल भी चढ़ा दी है और उसके लिए बाद में फिर मैं थोड़ी एक दो रोटी भी सेक दूंगी, तो वो पूड़ी भी खा लेगी और बाकी फिर बाद में वो रोटी भी खा लेगी। और यहाँ पर इतने में देखिए बिल्कुल शाम हो चुकी है और मिष्टी की जो फ्रेंड है वो मिष्टी से करने में लग रही है बात। वो उसको खेलने के लिए बुलाने आई थी तो फिर बाद में उसने मना कर दिया कि मैं दीदी आई हुई है तो मैं नहीं जाऊँगी। और देखिए शाम के टाइमिंग में जो गली लगती है ना, वो इस तरह से कुछ इस तरह से लगती है हमारी शाम के टाइम में गली। तो चलिए वापस से लग जाते हैं काम पर। यहाँ पर खाना बिल्कुल बन चुका है। तो खाने में है आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी और है ये रसगुल्ले मैंने मंगा लिए थे, मिर्ची है। तो यहाँ पर बस मैं सबसे पहले भगवान जी के लगा दूँगी भोग और साथ में है नमकीन। नमकीन मैंने भगवान के भोग नहीं लगाया है तो वो अलग से रख दूँगी सब। और तो देखिए यहाँ पर चुन्नू भी आ गए हैं और इनका लगभग खाना ख़त्म हो चुका है, मतलब इन्होंने सब ने खा लिया है। फिर बाद में मुझे एकदम से याद आया कि लो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर बाद में याद आया मुझे तो फिर मैंने थोड़ा वीडियो लिया इनका। और बाहर मैंने गद्दे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि के हमारे अंदर वाला पंखा ख़राब है, आपको बता ही रखा है ना मैंने, तो इसलिए मैंने बाहर गद्दा लगा लिया था। और सब हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। खा लेते हैं भैया अब हम खाना। तो भाई अब सबके जो है जाने का टाइम हो गया है, सब लोग जा रहे हैं, खाना वाना सबने खा लिया है। पर अभी मेरा काम बिल्कुल भी फ्री नहीं हुआ है क्योंकि कि क्या है ना, रात हो जाती है ज़्यादा तो फिर लगता है कि लो सही टाइम पर छोटा बेबी है घर पे चले जाएं तो ज़्यादा सही है। तो ये देखिए मिष्टी दिखा रही है पैसे क्योंकि दीदी ने उसको पैसे दिए थे,
तो वो दिखाने में लग रही है। तो यहाँ पर ऑटो, तो मैंने यहाँ पर छुटकू को ले लिया है गोदी में। मैं वैसे इसको ना अभी हमने जो नया नया नाम रखा है वो हमने अभी माधव रखा है, तो मैं माधव भी बोल देती हूँ, छुटकू भी बोल देती हूँ, कुछ भी बोल देते हैं। अभी तो बच्चों के ढेरों नाम होते हैं बचपन में। तो अभी जस्ट गई है बिट्टू और किचन का काम अभी बाकी है। किचन को हमने बस क्लीन करा है और बर्तनों के देख सकते हैं आप कितने सारे ढेर लग रहे हैं मेरे। ये देखिए मनमान, सॉरी पूरा सिंक भर रहा है भगवान। तो इनको मैं पहले कर लेती हूँ वॉश, फिर उसके बाद जो है बिस्तर लगाएंगे। तो जब भी कुछ भी काम होता है ना मेरा ज़रा सा भी, तो मेरे सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना वो होते हैं बर्तन। तो इतने सारे ढेर है ना, तो फटाफट से मैं इनको अभी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि के ना अब ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, लग रहा है जल्दी से काम फ्री कर लेते हैं और फिर बिछाएंगे बिस्तर। तो बस मैं बाहर वाले रूम में अपने बिस्तर लगा दूँगी। और देखिए हमारा पंखा, और वैसे सच बताऊँ अभी हमारा पंखा सही हो गया है, पर वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है इसलिए आप लोगों तक आने में, पर उस टाइम पर पंखा ख़राब था इसलिए मैं बाहर अपने बिस्तर बिछा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गद्दे लगा दिए हैं, बेडशीट बिछा दूंगी। और मिष्टी देखिए मिरर में देखने में लग रही है, भृगु हमारा फ़ोन में बिजी हो गया है, उसका अभी यही रहता है, उसका टाइम टू टाइम उसको फ़ोन चाहिए होता है। मिष्टी देखिए अपने आप को निहारने में लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है अपने गद्दे भी लगा दिए हैं, सेट कर दिए हैं। और आज ये क्या है, जल्दी चले गए थे ऑफिस, सुबह की शिफ्ट कर ली थी इन्होंने इसलिए जल्दी आ गए थे शाम को। तो यहाँ पर लग चुके हैं मेरे बिस्तर, अब बस हम करेंगे आराम। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।